हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिल्मी ज्ञान एपिसोड में। तो आज हमारे साथ हैं फिल्म गुरु गुरु बिपिन सर। तो सर से आज हम कुछ सवाल जवाब करते हैं। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जो शो में आपने बुलाया। फिल्मी ज्ञान एपिसोड आप होस्ट कर रही हैं, मैं तो आपका फैन बन चुका हूँ। किस तरीके से आप इतनी ब्यूटीफुल तरीके से इतनी बड़ी बड़ी बातें रख देती हैं, ये बहुत ही अच्छे एंकर की पहचान है। और मैं चाहता हूँ कि आप इस इंडस्ट्री में बहुत नाम दौलत शोहरत कमाएँ। एंड आपके ये जो आपने प्रयास किया, बहुत रिसर्च करके आप आती हैं, आप ऐसा सवाल लेके आती हैं जो जनता जनार्दन देखना चाहती है, जो उनका दिल की बात आप पूछ लेती हैं और बातों ही बातों में आप उसको मेरे से जानकारी लेके जनता तक पहुंचा देती हैं। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों, मैं गुरु विपिन कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूँ सक्सेस फिल्म अकेडमी में। कोई नहीं ऐसा सक्सेस जैसा एक्टर अपने लाखों रुपये बचाए। 10 लाख रुपये 20 लाख रुपये देने की जरूरत नहीं है। देखो, ऑडिशन से ही काम मिलता है, दुनिया को मालूम है ऑडिशन से काम मिलता है। किसी अकेडमी में जाकर 4 लाख 5 लाख देने की कोई जरूरत नहीं है। वो 4 लाख 5 लाख अपने अपने बैंक बैलेंस में रखो, अपने बॉडी पे, अपने डाइट पे खर्च करो। यहाँ पे सर्वाइव करना भी बहुत मुश्किल है मुंबई में, राइट? सर्वाइव करना भी बहुत मुश्किल है नए आर्टिस्ट के लिए। तो मैं बोलता हूँ सर्वाइव करने पे खर्च करो, लेकिन किसी के चक्कर मत पड़ो। इतने से पैसे में आप सक्रेट फिल्म अकेडमी से सीख सकते हो, हमारे साथ थिएटर कर सकते हो, लाइव शो कर सकते हो। मैडम लाइव थिएटर भी करती हैं, होस्ट भी करती हैं, राइट? पूछिए क्या सवाल है आज का। पूछिए, आज का मेरा ये सवाल है कि अगर फिल्म इंडस्ट्री में कोई काम करना चाहता है या टीवी में जो भी हमारी इंडस्ट्री है, तो इसके लिए सुंदर होना जरूरी है, क्यूट होना जरूरी है, फिर गोरा होना जरूरी है, हाइट बहुत अच्छी होने जरूरी है, ऐसी कुछ होती है चीज़ें, कोई क्राइटेरिया है ऐसा कि बहुत ही अच्छा दिखना चाहिए उसको ही काम मिलेगा, ऐसा होता है? वाह वाह वाह, एक ऐसा सवाल उन्होंने पूछा है। कोई पियून की लड़की है, यानी चपरासी की कोई बेटी है, राइट? कोई साफ सफाई वाले की लड़की है, राइट? या कोई बहुत ही गरीब तंग परिवार की लड़की है, उसके भी मन में ऐसा ख्वाहिश रहता है कि बॉस उसको भी एक्ट्रेस बनना है, राइट? या कोई ऐसी लड़की जो उसको हीन भावना अंदर से रहता है कि मेरी हाइट ज्यादा अच्छी नहीं, राइट? या कोई हीन भावना रहता है कि मैं अच्छी नहीं दिखती हूँ, राइट? या मैं काली हूँ, मैं गोरी हूँ, कुछ ऐसा हीन भावना उसके मन में रहता है, कुछ फोबिया ऐसा रहता है। लड़कियाँ और लड़के लड़कों में भी रहता है, आपको हैंडसम दिखना बहुत जरूरी होता था, आपको डांस आना जरूरी होता था, आपकी हाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए थी, लाइक संजय दत्त एंड ऑल दैट, राइट? एंड वैसे लोगों को ही काम मिलता था, लेकिन आज वो जमाना लग चुका है। आजकल सब्जेक्ट पे मूवी बन रही है, राइट? आजकल ट्रांसजेंडर पे मूवी बनती है, राइट? आजकल लेडीज अब्यूज पे मिलती है, चाइल्ड अब्यूज पे सिनेमा बनता है, राइट? आजकल सोशल टॉपिक पे मूवी बनता है, राइट? तो उसमें हर प्रकार के कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट होती है, राइट? उसमें बच्चों को भी रिक्वायरमेंट होती है, काले गोरे हर प्रकार के। जैसे आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी देखी होगी, राइट? उसमें देखो किस किस प्रकार के एक्टर्स हैं जिनका कोई ना शक्ल है, ना सूरत है, ना कुछ भी है, राइट? अभी जो विक्की कौशल हैं, जो कटरीना कैफ के आजकल हस्बैंड हैं, उनकी पहली मूवी देखो कैसा था, बनारस के ऊपर एक था मसान था, राइट? उसमें उनकी शक्ल देखो कैसी है, राइट? अभी देखो कैसी है। तो देखो, कैरेक्टर ओरिएंटेड सब्जेक्ट ओरिएंटेड सिनेमा बनने लगा है एंड हर प्रकार के आर्टिस्ट का भी स्वागत है, क्योंकि अभी जो है ना काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया, फ्रेंकली स्पीकिंग। अभी OTT प्लेटफॉर्म आ गया है, राइट? वेब सीरीज का जमाना चल चुका है, राइट? थिएटर में काम है, साउथ सिनेमा में काम है, रीजनल सिनेमा में काम है, हर प्रकार के काम अवेलेबल है। दोस्तों, आप सबसे अपील करना चाहता हूँ, सो रहे हो तो जाग जाओ मेरे यारा, मेरे प्यारा, मेरे दोस्त, मेहनत करो, अपने मॉम डैड से बात करो, एक बार मुंबई तो आके देखो, एक बार सपने को सजाओ। सपने देखो तो उसके पीछे भागो, सपने सोने से नहीं होता, सपने के पीछे भागना पड़ता है, सब कुछ त्यागना पड़ता है। जरा सोचो, जब आपके बैंक में 100 करोड़ रुपये हैं, 100 करोड़ रुपये अगर आपके बैंक में आते हैं, सोचो उसका फील कैसा होगा। सोचो जब जुहू में आपका बंगलो होगा, सोचो जब चार्टर्ड प्लेन में आप कपिल शर्मा की तरह ट्रैवल करेंगे तो कैसा आपको फील होगा। मनी मैटर्स। आप मोनी रॉय को देखें, वो पहले कैसे थी, चश्मा उसमें लगाती थी, किस तरह से दिखती थी, और आज टॉप लेवल के एक्ट्रेस हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि हर प्रकार के आर्टिस्ट की रिक्वायरमेंट बढ़ चुकी है और सबको आना चाहिए मुंबई, सीखना चाहिए। किसी भी एकेडमी में जाएं, सीखें। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि सब लोग सक्सेस में आ जाएं, मैं ऐसा बोल रहा हूं किसी भी शहर में हो आप सीख लें, टैलेंट बहुत जरूरी है, टैलेंट का दूसरा नाम है प्रैक्टिस। तो आशा करता हूं मैंने अपनी बात रख दी। कुछ और आप ऐड ऑन करना चाहती हैं तो बोलिए, आप कुछ भी अपनी बात रखें आप। Right. तो मैं व्यूवर से ये बताना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता, जैसा सर ने भी बोला जी, कि आपको अपनी जो आपकी पर्सनालिटी है उसके साथ आप आइए, अपने टैलेंट पे काम कीजिए, सारी चीज़ें कीजिए, बट ऐसा नहीं कि गोरा होना ज़रूरी है, हाइट अच्छी होनी चाहिए एंड ऑल, सबको काम मिलेगा। तो आप अपने टैलेंट पे काम कीजिए, सर के साथ जुड़िए, समझिए। तो थैंक यू सो मच, आपने ये एपिसोड देखा, मिलते हैं। वाह, थैंक यू सो मच, नमस्कार, थैंक यू।